नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, फिर भी इसके साथ वो अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी, लेकिन महज 240 सीटों पर वो सिमट कर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी 235 सीटों तक पहुंचने में कामयाब है। अब भाजपा की सरकार जरूर बनेगी एनडीए के साथ, लेकिन अब थोड़ा सा पीएम मोदी जी को भी अब अपने सहयोगी दलों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ऐसे में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई वो हुई अयोध्या। जी हाँ, ये नारा जो था पहले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा पूरे तरीके से असफल साबित हुआ और अयोध्या की हॉट सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी। दरअसल अयोध्या की हॉट सीट कही जाने वाली फैजाबाद लोकसभा सीट पर यहाँ पर रविशंकर प्रसाद ने शानदार अंदाज में जीत दर्ज की, लेकिन इसके अलावा क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के बीते सांसद लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा, इसकी कई समीक्षा की गई। दरअसल जब राम मंदिर बनवाने की बात कही गई थी तो उस दौरान यहाँ पर कई दुकानदारों को विस्थापित किया जाना, दुकानें तोड़ी गई, सड़कों को चौड़ीकरण हुआ और उसके बाद 1-1 लाख मुआवजा देने की मांग कही गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर उन्हें मुआवजा तो मिला लेकिन सिर्फ 1 लाख रुपए मिला, लेकिन उसकी बदले जो दूसरी जगह उन्हें दुकान दी गई वहां पर कई लोगों को दुकानें नहीं मिली। कई बार लोगों ने सांसद, जो समय के सांसद थे लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी के, उनसे शिकायत भी की तो उन्होंने साफ तौर पर उनकी मांगों को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना वोट बैंक दिखाया और इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी को जीत दिला दी। इसके साथ ही निषाद समाज भी खासा नाराज नजर आया। दरअसल अयोध्या में बीते कई सालों से निषाद समाज नावों को चला आ रहा है, लेकिन अचानक शिप्स का आना, जहाजों का आना और गुजरातियों का वहां चले आना वहां के निषाद समाज को यहां पर पसंद नहीं आया और निषाद समाज को एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दी गई, जिसकी वजह से निषाद समाज बेहद नाराज नजर आया और उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। साथ ही जो बस्तियों को तोड़ा गया और जो लोगों को एक जगह से दूसरी तरफ स्थानांतरित किया जाना था, पैसे दिए जाने थे, पेपर्स दिए जाने थे, वो सब भी उन्हें प्रोवाइड नहीं कराए गए, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को फैजाबाद यानी अयोध्या लोकसभा सीट से गंवाना पड़ा। अब ये देखना होगा कि 5 साल बाद क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों को लुभाने में कामयाब हो पाती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।